हे गाइस, तो मैं आज आपको रूबिक क्यूब का बेसिक सिखाने वाला हूँ। ये है रूबिक क्यूब और आप बताता हूँ इन पीसेस को क्या कहते हैं। ये कॉर्नर पीस कहते हैं, ये वाला जो कॉर्नर पीस को कॉर्नर पीस कहते हैं। यहाँ पे जो मिडिल पीस है इसको एज पीस कहते हैं, एज पीस। और फिर इसको आप सेंटर या मिडिल कैसे। अब हम आते हैं क्यूब के मूव्स में। जैसे कि आप जानते हैं क्यूब के 6 मूव्स होते हैं, जैसे राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, अप एंड डाउन। मतलब राइट लेयर को आप R कॉल कर सकते हैं, लेफ्ट लेयर को आप L कॉल कर सकते हैं, फ्रंट लेयर को आप F कॉल कर सकते हैं और बैक लेयर को B। और जैसे अपर लेयर है उसे आप U कॉल कर सकते हैं और जैसे डाउन लेयर है उसे आप D कॉल कर सकते हैं। तो उस मूव को किधर साइड मोड़ना है। जैसे R मतलब R डैश होता है और R होता है, R इधर साइड जाएगा और R डैश इधर आएगा। जैसे R एंड R डैश, जैसे L इधर आएगा और L डैश इधर जाएगा। देन आता है F, F इधर जाएगा, F डैश इधर, और B इधर जाएगा एंड बी डैश इधर जाएगा। ऐसे ही यू जो होता है वो इधर जाता है, यू डैश इधर, और जो डी होता है वो इधर जाता है और डी डैश इधर आता है।